सो हे गाइस व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स योर बॉय गाइस लाइक टू गिव अ ब्रांड न्यू ब्लॉग खबर। देखिए देख सकते हो फिर से आज मैं मेरे ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ एक बात बताना चाहूँगा। बहुत मजे की बात कि आज अपनी टीम के साथ ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। देख सकते हो खाजा उमर, तो बहुत दिनों के बाद, मतलब 3 से 4 महीने के बाद मैं इनको मिला हूँ। तो ये बकरा ईद का आए थे मुंबई, अभी मैं इनके साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ कल्याण में, तो अभी मेरे को इधर से जाना है। देख सकते हो बारिश भी हो रही है, चलते और देखते हैं। जैसे कि देख सकते हो बोले तो मतलब एकदम चिल्ड वेदर है, एकदम चिल्ड वेदर यहाँ का लोकेशन, और इतना बॉम है और बारिश हो रही है, और मैं भीगते भीगते ब्लॉग बना रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है। और जैसे कि समीर को देख सकते हो, क्या बोलता है समीर? हाँ फुल मज़ा आ रहा है। तो डूड मैं एक बात बताऊँ, अभी मैं जस्ट कैम को बैक करूँगा, आप देखना वीडियो और इधर का व्यू देखो डूड, एकदम बोले तो मतलब ऐसा मज़ा आएगा ना, इन्जॉय करो आप। जैसे कि आप देख सकते हो मतलब आधे एक घंटे से अपन इधर रुके, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो इसलिए इधर रुकना पड़ा है अपने को। तो अभी मालूम नहीं बारिश कब रुकेगी, लेकिन डूड एकदम मतलब एकदम मज़ा आने वाला है डूड। देख सकते हो कुछ मस्त लग रहा है। अभी चलते इधर से, अभी टाइम हो रहा है 8:20, तो नाश्ता करते हैं, चलते हैं नाश्ता करने के बाद देखते हैं। तो डूड उसके बाद जाने नहीं आता है, मज़ा आ रहा है डूड ब्लॉग बनाने में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक जो है ये रही, और वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट जरूर करना कि अगला ब्लॉग कहाँ का देखना चाहते हो मुंबई में। अभी यहाँ से मैं रेगुलर ब्लॉग अपलोड करूँगा, कोशिश भी करूँगा, सो वही अभी ऊपर भी जाएंगे, रील्स भी शूट करेंगे, देखते हैं। जैसे कि बाल देख सकते हो, और ये बाल के अंदर ये थोड़ा सा कलर भी देख सकते हो, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। समीर वैसे भी बात कर रहे हैं अपने घर वालों से, समीर उनके घर वालों से बात कर रहा है, तो चलते हैं नाश्ता करते हैं। और एक और बात बताऊँ, खाली फुकट भीग रहे हैं माधव। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो मतलब अभी अभी जस्ट हम लोग ने नाश्ता करके बाहर आए हैं, यहाँ पे कुछ कैंटीन वेंटीन नहीं है, तो बस इधर से नाश्ता करके बाहर आए हैं। और डूड एक बात बताओ मैं आपको, इधर का क्लाइमेट ना बहुत प्यारा है, बहुत ऑसम है। और जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हो इतना बॉम लोकेशन लग रहा है, और अभी चलते हैं इधर का भी, आप जैसे कि देख सकते हो इतना बॉम लोकेशन लग रहा है। तो अभी हमको जाना है इधर पे, तो ऊपर चढ़ेंगे और आप पूरा सिनेमैटिक वीडियो का मज़ा लेते रहना, पूरे वीडियो को एंड तक देखते रहना, इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना, अगर पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर से कर देना। तो सो वही चलते हैं, तो क्या बोलता समीर? मचाएंगे। तो कैसा लग रहा है भाई? हाँ भाई, तो कैसा लग रहा है इधर आके इतना बारिश में? बॉम बहुत बॉम लग रहा है। और मतलब भाई कितने दिन के बाद मिले अपन बता जरा, 3 महीने तो हो चुके अपने को मिले? 3 या 4 महीने हो गए, 3 या 4 महीने के बाद मिल रहे हैं, समझ सकते हो ना। तो इधर जैसे कि देख सकते हो मतलब चलते चलते बारिश में ब्लॉग बनाने का भी मज़ा अलग है, देखते रहना भाई। तो जैसे ये देख सकते हो ये पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं अभी, और तो जैसे कि ये सीढ़ी होती है, हाँ तो ये सीढ़ी इतना मजा आ रहा है डूड, इतना मजा आ रहा है ना ऊपर चढ़ने में भी, और सबसे आगे अपन ही है और अपने पीछे है ये। तो यहाँ पे सुना है कि बंदर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बंदर के लिए चने लिए, ये चने लोग ने बंदर के लिए चने लिए, तो सोचो बंदर को
चनों से कितना प्यार है और ये चनों को मंदिर से कितना प्यार है, समझ सकते हो ना तुम। दिल कर रहा है कि टी शर्ट काट के बनाऊं ब्लॉग, लेकिन क्या करूं, ठंडी भी लग रही है क्योंकि पूरा भीग चुका हूं मैं, इतना मुश्किल से ब्लॉग बना रहा हूं। तो भाई तो डूड ये देख सकते हो, मैंने आपको बताया था ना जो पानी बह रहा है वो यहीं से जा रहा है और आगे एकदम बड़ी वाली खाई में पानी आगे गिर रहा है, और वो जो पानी है वो पहाड़ के ऊपर से आ रहा है, तो यही पानी जो बह के जा रहा है, तो यही बता रहा था मैं आपको। अभी जाते हैं उधर, चाय पीते हैं, चाय पी के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो वही चलो चलते और देखते हैं। डूड एकदम बॉम्ब प्लेस, डूड एकदम बॉम्ब, ऐसा लग रहा है कहीं ऐसी जगह पे आ गए जहाँ कोई है ही नहीं, ऐसा लग रहा है, मतलब एकदम साइलेंट, बस हमारे अलावा इधर कोई और दिख रहा नहीं है। तो बस एक बात बताओ, मैं इधर का व्यू आप देखोगे तो पागल हो जाएगा, इतना बॉम्ब, इतना मस्त व्यू है ना डूड, मैं क्या बताऊँ, आप खुद देख सकते हो इतना बॉम्ब व्यू है। तो दूर जैसे ही देख सकते हो पानी इतना ज्यादा है क्या, पूरे जूते गीले हो चुके हैं और पूरे पैर भी गीले हो चुके हैं, और पानी देख सकते हो। फायदा भी गाइस, जैसे ये देख सकते हो ऑलमोस्ट 75% फूड हमने चढ़ लिया है, चढ़ चुके हैं, तो 25% बाकी है। कुछ भी नहीं दिख रहा डूड, कुछ भी नहीं दिख रहा, ना आगे ना पीछे, और ये देख सकते हो कितना बॉम्ब। भाई की तो पूरी हालत टाइट हो चुकी है, भाई की या सबकी हालत टाइट हो चुकी है, और क्या बताओ, बहुत ज़्यादा बाल भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 75% रीच कर चुके हैं, 25% जो बचा है उसको फिनिश कर दें, और ऊपर का व्यू आपको दिखाता हूँ, एकदम मस्त, एकदम कूल, बोले तो वेदर कंडीशन दूर, लेकिन कुछ भी हो जाए मज़ा तो बहुत आने वाला है। इग्नोर मारो, थोड़ा सा मुर्गा बांध दे रहा है, कुछ भी दिख रहा है ना डूड, कुछ भी नहीं है, मतलब फोग के अलावा आपको कुछ और दिखेगा भी नहीं, इतनी बड़ी खाई है, इतनी बड़ी खाई है कि इमेजिन करो आप, बस ऊपर चढ़ना बाकी है, ऊपर चढ़ेंगे तो और प्यारा व्यू मिलेगा, इधर से फोटो शूट और वीडियो शूट करने का मजा ही कुछ अलग है, और मतलब अभी तो हम बस आधा फुट ही हमने चढ़ा है और आधा फुट चढ़ना बाकी है, हालत टाइट हो जा रही है डूड, फक इतना हालत टाइट हो रही है, इतना हालत टाइट हो रही है ना, मतलब नीचे हम लोग को इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही थी, हम लोग ने सोचा कि हम नहीं चढ़ सकेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, और इतना प्यारा व्यू कैप्चर करने को मिला कैम में, आज मेरे पास मेरा कैम होता तो मज़ा अलग होती, बस क्या कर सकते हैं डूड, वक्त वक्त की बात है, पहले भी मोबाइल से शूट करता था, अब भी मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, हाँ थोड़ा सा शेकी फिट मिलता रहेगा, सीढ़ी चढ़ के वीडियो बना रहे, तो वही देखो व्यू, मेरे को सबसे प्यारा व्यू जो है ना ये लगा, जो आप ये देख रहे हो ये सबसे प्यारा व्यू लगा मेरे, तो इधर के बॉम्ब लोकेशन पे, बॉम्ब व्यू पे क्या बताऊँ,
इतना मजा आ रहा है डूड, इतना मजा आ रहा है। चलते हैं, देखते हैं। ये व्यू देख सकते हो, और ये सीढ़ी भी देख सकते हो, मेरे को भी देख सकते हो। ब्लॉग शुरू होने से पहले तो मेरे को ही देख सकते हो, अभी भी मेरे को ही देख सकते हो, पता नहीं। तो इसी व्यू के लिए ना बहुत मेहनत करके दिन ऊपर आया, तो इस वीडियो के तो 1000 व्यूज आने बनते हैं। ज़्यादा डिमांड नहीं है, अगर चाहेंगे तो 1000 के 1 लाख भी मिलेंगे, बस तुम्हारा सपोर्ट। जैसे देख सकते हो अभी अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत मेहनत लग रही है डूब चढ़ने के लिए। और आजू बाजू भी आप देख सकते हो कितना बॉम्ब लेते थे, मैं तो नहीं कर रहा किसी का चढ़ने का इतनी ऊपर, लेकिन क्या करे, आए तो चढ़ना तो पड़ेगा, डर के आगे जीत है। और कैमरे पे जैसे पानी गिरा है, तो बाय द वे जैसे कि देख सकते हो डूड, हम लोग पूरा रीच कर चुके हैं, 1 घंटे से ज़्यादा हुआ फिर इधर आके हम लोग ने पहुँचा। पे पहुँचा करने के बाद थोड़ा सा ड्रेसिंग वेसिंग चेंज किया, तो वही आप चलते हैं ऊँट के ऊपर, जिसको पूरा मज़ा आपको तो देखने मिला ही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो कुछ ऐसे सिनेमेटिक शॉट दिखाऊंगा मैं आपको, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो वही वीडियो पे एंड तक बने रहना, बहुत बार बोल दिया मैंने ये बात कि एंड तक बने रहना। तो वही आई होप एंजॉय दिस वीडियो। फिर गाइस डेट मेक श्योर टू सब्सक्राइब नाउ माय यूट्यूब चैनल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, सेक्सी बेबी। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जाके फॉलो कर लो। और डूड एक बात बताना चाहता हूँ, ये ब्लॉग मैं इधर इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मेरे को ये फूड पे जाना था तो मैं फूड में नहीं जा सका, और बिकॉज दूसरा फूड था जो पहले फूड मैंने चढ़ा था वही फूड पे इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। आई रियली रियली सॉरी क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया, मैं सुबह के 8 बजे से अभी शाम के 5 बज रहे तो ज़्यादा और वेट नहीं कर सकता था, तो इसीलिए। तो वही, तो बस जाओ फॉलो कर लो इंस्टाग्राम।